एमएस वर्ड की सीरीज में आज हम देखते हैं मैक्रो रिकॉर्ड करना। बहुत ही अच्छा और उपयोगी ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंतर्गत मैक्रो। इसके अलावा अन्य एप्लीकेशंस में भी कहीं ना कहीं हम मैक्रो का यूज़ करते हैं, और जब हम एमएस वर्ड के मैक्रो को समझ लेते हैं तो वहाँ भी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। हमारे डॉक्यूमेंट के लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन हम यदि अन्य एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं तो बहुत बेनिफिट देता है मैक्रो, यानी हमारी समय की बचत पूरा पूरा करवाता है मैक्रो। पहले हम समझते हैं कि आखिर मैक्रो क्या होता है। यदि हमें ऐसा कोई कंटेंट या डेटा जिसकी आवश्यकता बार बार लगती है और हम चाहते हैं कि उसे टाइप न करना पड़े, तो हम ऐसे कंटेंट या डेटा को एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, सेम उसी प्रकार हम डेटा या डॉक्यूमेंट्स जो है, हमारा जो पेजेस हैं जिसमें हम डेटा लिखे हुए हैं, उस पूरे डेटा कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक बार रिकॉर्ड होने के बाद जब भी चाहें दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, जो भी हम शॉर्टकट उसके लिए असाइन करेंगे उसमें मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए हम एमएस वर्ड को ओपन किए हुए हैं, और एमएस वर्ड में हम व्यू मेन्यू को क्लिक करते हैं, जिससे व्यू मेन्यू ऑप्शन विंडो ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये मैक्रो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, बस यही है मैक्रो। यहाँ पर हम एरो को क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करते हैं, जिससे रिकॉर्ड मैक्रो विंडो ओपन होती है। अब इस रिकॉर्ड विंडो से आपको सेलेक्ट करना है कीबोर्ड। कीबोर्ड को सेलेक्ट करने पर कस्टमाइज कीबोर्ड ऑप्शन विंडो आएगा। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट आप असाइन कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर शॉर्टकट असाइन करते हैं कंट्रोल सी। हम यहाँ पर कंट्रोल सी ना देकर के हम कंट्रोल क्यू देते हैं। खास तौर पर हमें शॉर्टकट इस प्रकार का असाइन करना है जो पहले से डिफाइन न हो। जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, तो इस प्रकार के शॉर्टकट इसमें असाइन न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ऐसा शॉर्टकट यहाँ पर असाइन करें जो उसमें पहले से असाइन न हो। तो कंट्रोल क्यू हो सकता है कि असाइन हो, लेकिन जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं उसको हमें खास तौर पर स्किप कर देना है। इसके बाद आप असाइन को क्लिक करें और इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माउस कर्सर पॉइंटर के साथ में एक टेप का आइकॉन, ऑडियो टेप का आइकॉन, जो वर्तमान समय तो लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन उसका आइकॉन आपके कर्सर के साथ में जुड़ जाएगा। तो आज क्या है, यहाँ पर ये इस समय रिकॉर्डिंग चालू है, यानी आप जो भी डेटा या कंटेंट इसमें टाइप करेंगे, जैसे हमने लिखा शुभम अकेडमी, मैं अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ यह नगर, ठीक है, और हमारे कांटेक्ट या जो भी हमें डेटा इस प्रकार का जो असाइन करना है वो हम यहाँ पर कंटेक्ट करते हैं, उसको असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद अब हमें ये डेटा बड़ा हो सकता है, जितना आपको बड़ा या डेटा लिखना है, जितना लंबा डेटा लिखना है उतने का आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसको आपको रोकना होगा। तो रिकॉर्डिंग रोकने के लिए आप स्टॉप को क्लिक कीजिए। स्टॉप को क्लिक करने पर रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। अब क्या होगा, जब भी आपको इस डॉक्यूमेंट या डेटा की कंटेंट की आवश्यकता है तो आपने जो शॉर्टकट असाइन किया था, जैसे मैंने किया कंट्रोल प्लस क्यू, मैंने यहाँ पर प्रेस किया है कंट्रोल प्लस क्यू। आप अपना जो शॉर्टकट आप असाइन करेंगे वो प्रेस करके देखें। आप भले ही इसमें डॉक्यूमेंट डेटा नहीं है, अब आप कंट्रोल क्यू प्रेस करिए, वो डेटा कंटेंट आ जाएगा जिसका रिकॉर्डिंग हुआ है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बार इसको करके अवश्य देखिए और बहुत इजी तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि ये पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।